नमस्कार, स्वागत है आप सभी का दूरदर्शन किसान के खास कार्यक्रम छत पर बागवानी में। मैं हूं आपके साथ अदिति शर्मा। हमारे इस छत पर बागवानी में एक सीरीज चल रही है, जी हां, लिटिल गार्डनर सीरीज की मैं यहां पर बात कर रही हूं। हमारे छोटे छोटे बच्चे गार्डनर्स बन चुके हैं और हमें बहुत कुछ सिखा रहे हैं। अभी तक कुछ लिटिल गार्डनर से हम मिल चुके हैं और आज के एपिसोड में भी एक नई गार्डनर के पास मैं आपको लेकर जाने वाली हूँ। इनका नाम है अवनिका। बता दूँ आपको, माइक्रो ग्रीन्स पर ये काम कर रही हैं। अब माइक्रो ग्रीन्स क्या होते हैं कुछ लोग जानते हैं लेकिन कुछ को नहीं पता होता, तो फिर आइए टाइम क्यों वेस्ट करें, सीधा रुक करते हैं अवनिका का और उनसे माइक्रो ग्रीन्स के बारे में जानते हैं। मेरा नाम अवनिका है और आज के लिए मैं आपकी लिटिल गार्डनर हूँ। आज मैं आपको माइक्रोग्रीन्स के बारे में बताऊंगी। गार्डनिंग इज अ हेल्दी फन एक्टिविटी फॉर चिल्ड्रन। इट इज अ वे टू इम्प्लिकेट लर्निंग बाय डूइंग। आई लव गार्डनिंग। आइए मैं आपको अपना गार्डन दिखाती हूँ। ये मेरा गार्डन है और यहाँ पर हमारा माइक्रोग्रीन्स ग्रोइंग कॉर्नर है। माइक्रोग्रीन्स आर यंग वेजिटेबल ग्रीन्स दैट फॉल समवेयर बिटवीन स्प्राउट्स एंड बेबी लीव वेजिटेबल्स। माइक्रोग्रीन्स के बहुत सारे हेल्थ बेनिफिट्स भी हैं। माइक्रोग्रीन्स को बेबी प्लांट्स भी कहते हैं क्योंकि इनका साइज छोटा होता है। हम बच्चे वेजिटेबल्स खाना पसंद नहीं करते या फिर काफ़ी कम क्वांटिटी में खाते हैं। अगर हम माइक्रोग्रीन्स को अपनी डेली डाइट में इंक्लूड करें तो हमारी न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट्स भी पूरी हो जाएंगी और हमारी प्रॉपर ग्रोथ भी होगी। माइक्रोग्रीन्स में एंटीऑक्सीडेंट्स और फाइटोन्यूट्रिएंट्स भी पाए जाते हैं। मेरे गार्डन में आपको बहुत सारे वेजिटेबल्स के प्लांट्स दिखेंगे लेकिन इस कॉर्नर में मैंने बहुत सारे माइक्रोग्रीन्स लगा रखे हैं। माइक्रोग्रीन्स को ग्रो करने के लिए ज़्यादा स्पेस की ज़रूरत नहीं है। ये किसी भी शैलो ट्रे, पॉट, बॉक्स या फिर इवन किचन स्लैब पर भी ग्रो कर सकते हैं। ये है चिकपी प्लांट का माइक्रोग्रीन। चिकपी को मैंने ओवरनाइट सोक करके रखा और फिर जब इसके स्प्राउट्स आए तो मैंने इसे गमले में लगा दिया और फिर विद इन 7 डेज इसके यंग टेंडर शूट्स आना शुरू हो गए। अब ये रेडी टू कंज्यूम है। ये क्यूक्यूम्बर प्लांट का माइक्रोग्रीन्स है। समर्स में क्यूक्यूम्बर बहुत ज़्यादा कंज्यूम होता है क्योंकि क्यूक्यूम्बर में 96% वाटर होता है, मगर इसके माइक्रोग्रीन्स के भी बहुत सारे हेल्थ बेनिफिट्स हैं। ये पी का माइक्रोग्रीन प्लांट है। पी के सीड्स बड़े होते हैं इसलिए मैंने इसे भी ओवरनाइट सोक करके लाइट पॉटिंग मिक्स में लगाया है। अब ये रेडी टू कंज्यूम है। इसके बहुत ब्यूटीफुल यंग टेंडर शूट्स आए हैं और इसके टेंड्रिल्स भी आना शुरू हो गए हैं। ये रेडी टू कंज्यूम है। मैं इसे सैलड के साथ कंज्यूम करना पसंद करूंगी। ये ग्रीन ग्राम का माइक्रोग्रीन प्लांट है। मैंने इसे लाइट पॉटिंग मिक्स में लगाया है। ये ऊपर से बहुत ज़्यादा भरा हुआ है। ये बहुत अच्छा लगता है खाने में और इसे आप सैलड के साथ भी कंज्यूम कर सकते हैं। मैंने इसे 7 डेज पहले लगाया था और ये बिल्कुल अच्छे से रेडी हो चुका है। अब ये रेडी टू कंज्यूम है। आप इसे किसी भी डिश के साथ ले सकते हैं। ये मेरे लेंटिल का माइक्रोग्रीन्स है। मैंने लेंटिल्स का प्लांट लगाने के लिए इसके सीड्स को ओवरनाइट सोक किया और फिर इसे 2 दिन तक बाहर रखा। आप चाहें तो इसे डायरेक्टली भी लगा सकते हैं। लेंटिल्स के टेंडर शूट्स को हम किसी भी डिप के रूप में इस्तेमाल कर सकते हैं और किसी भी स्नैक्स के साथ एंजॉय कर सकते हैं। हम माइक्रोग्रीन्स को हाइड्रोपोनिक सिस्टम के द्वारा पानी में भी ग्रो कर सकते हैं। मैंने ये घर में पड़े हुए चीज़ों से ही हाइड्रोपोनिक सिस्टम में चिकपी का माइक्रोग्रीन प्लांट ग्रो किया है। यहाँ पर मैंने ग्लास कंटेनर लिया है।
उसमें हमारे पास एक प्लास्टिक का कप जैसा स्टैंड पड़ा हुआ था। मैंने उसमें चिकपीस को अरेंज करके माइक्रो ग्रीन्स ग्रो करने की कोशिश की है। ये नेट आलू और प्याज जब हम कहीं से लाते हैं तो उसकी बोरियों के साथ मिलती है और ये बहुत जल्दी फेंक जाती है, तो मैंने इसको इस माइक्रो ग्रीन्स को ग्रो करने में इसका यूज़ किया है। इस स्टैंड को हम नेट के सहारे से इस ग्लास कंटेनर में अरेंज करेंगे एंड हम चिकपीस को प्लेस कर देंगे। इन 6 to 7 days हमारे स्प्राउट्स भी ग्रो हो जाएंगे एंड इसके यंग टेंडर शूट्स भी ग्रो होने लगे हैं। अब ये रेडी टू कंज्यूम है। फ्रेंड्स, ये मेरा मिनी ग्रीन हाउस है। इसमें मैंने रेड कैबेज, ग्रीन कैबेज, चना एंड वीट ग्रास लगा रखा है। ये पोर्टेबल भी है। मैंने इसमें बहुत सारे वेजिटेबल सीडलिंग्स लगाए हैं और अभी इसमें माइक्रोग्रीन्स लगे हुए हैं। ये पोर्टेबल भी है और इसका सबसे बड़ा एडवांटेज ये है कि मैं इसको कहीं भी मूव कर सकती हूँ और मैं किसी भी सीज़न में बिल्कुल आसानी से अपने वेजिटेबल सीडलिंग्स एंड माइक्रोग्रीन्स लगा सकती हूँ, क्योंकि विंटर में हार्श चिल्ड वेदर में हम अपने प्लांट्स को बाहर नहीं रख सकते वरना उनकी ग्रोथ नहीं होगी। तो जब भी विंटर में बाहर धूप आती है हम इस ग्रीन हाउस को उठाकर बाहर रख सकते हैं एंड समर्स में जो हॉट विंड्स होती हैं उनसे भी हम इन्हें बचा सकते हैं। उनसे बचाने के लिए हम इस ग्रीन हाउस को इंडोर्स रखेंगे। माइक्रोग्रीन्स क्या होते हैं जान लिया ना आपने, अब इन्हें लगाना कैसे है, इनके कौन कौन से यूजेस हो सकते हैं बताएंगे आपको, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद। कहीं मत जाइए, देखते रहिए हमारा कार्यक्रम छत पर बागवानी और बने रहिए दूरदर्शन के साथ पर। As a parliamentarian, there's a lot of research and lots of thought before you speak and speak on national issues. What are the issues you have raised in this journey of yours? Look, first I'll say that when I got elected in assembly, my first term in 1990, I was youngest in the house and we had lots of many seniors over there. So they were used to tell me, if you want to speak 10 minutes in the house, then be prepared to do research, to do read 10 hours on the same subject. If you are able to read 10 hours and if you are able to research on the same subject for 10 hours, then only speak 10 minutes in the house. ब्रेक के बाद दूरदर्शन किसान के कार्यक्रम छत पर बागवानी में आप सभी का फिर से स्वागत है। ब्रेक पर जाने से पहले हम सभी ने जाना था कि माइक्रो ग्रीन्स होते क्या हैं। आइए अब हम आपको बताते हैं कि इनको आप लगा किस तरह से सकते हैं। सीड्स को प्लांटर में लगाना भी एक कला होती है, तो फिर आइए अब निका से यही कला हम सीखते हैं। अभी मैंने आपको माइक्रोग्रीन्स के बारे में बताया, अब मैं आपको बताऊंगी कि माइक्रोग्रीन्स ग्रो कैसे करें। माइक्रोग्रीन्स को ग्रो करने के लिए कोई भी सेट रूल्स नहीं हैं। आप इसे किसी भी शैलो ट्रे, पॉट या फिर इवन बॉक्स में ग्रो कर सकते हैं। माइक्रोग्रीन्स को ग्रो करने के लिए 2 to 4 inch गहरा गमला पर्याप्त है
और आपको ये ध्यान रखना है कि जो भी गमला आप यूज़ करें उसका टॉप वाइड होना चाहिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा सीड्स हम सो कर सकें। माइक्रोग्रीन्स को ग्रो करने के लिए सबसे पहले हम हल्का पॉटिंग मिक्स तैयार करेंगे। ये हमारा सॉइल रेडी है, इसमें 2 parts ऑफ कोकोपीट, 1 part ऑफ परलाइट, 1 part ऑफ वर्मी कोलाइट एंड इक्वल अमाउंट ऑफ वर्मी कंपोस्ट डाला हुआ है। अगर हम सॉइल यूज़ करते हैं तो हमें इस बात का ध्यान रखना है कि हमारी सॉइल बिल्कुल स्टरलाइज होनी चाहिए। कहने का मतलब ये है कि सॉइल में किसी तरह के भी इंसेक्ट, पेस्ट या फिर पैथोजेंस नहीं होने चाहिए। सोलराइजेशन से मिट्टी स्टरलाइज हो जाती है और इससे किसी भी डिजीज़ का खतरा नहीं है। यहाँ पर मैंने अर्दन पॉट्स लिए हैं क्योंकि अर्दन पॉट्स इको फ्रेंडली होते हैं। यहाँ पर मुझे इस कंटेनर की ज़रूरत है। अब इस कंटेनर में हम ये मिट्टी के ठीकरे लगाएंगे जिससे हमारा ड्रेनेज प्रॉपर हो। अर्दन पीस के जगह हम नेट का भी यूज़ कर सकते हैं। हम नेट को यूज़ करके भी अपना ड्रेनेज सिक्योर कर देते हैं। ड्रेनेज हमारे पॉट के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट होता है क्योंकि ये एक्सेस वाटर को ड्रेन आउट कर देता है। अब मैं अपने पॉटिंग मिक्स को इस पॉट में फिल करूँगी। अभी इसमें हम अच्छे से इसे प्रेस करेंगे। इसे प्रेस करने के बाद हम इसमें वाटरिंग करेंगे। वाटरिंग करने के बाद हम इसमें अब सीड्स को स्प्रिंकल करेंगे। हम माइक्रोग्रीन्स ग्रो करने के लिए अलग अलग सीड्स का यूज़ कर सकते हैं, जैसे कैबेज, क्यूक्यूम्बर, अमेरांथ, बीटरूट, लेट्यूस एंड कैरेट। मैं यहाँ पर विंटर सीड्स का यूज़ करूँगी क्योंकि जो विंटर के सीड्स होते हैं वो इस सीज़न में जर्मिनेट करना शुरू कर देंगे। मैं यहाँ पर बीटरूट के सीड्स लगाऊँगी। सीड्स को हम अच्छे से सॉइल पर स्प्रिंकल कर देंगे। ये अच्छे से स्प्रिंकल हो गया है। अब हम इसमें 1 layer सॉइल स्पॉटिंग मिक्स की डाल देंगे। इसे भी हम अच्छे से प्रेस कर देंगे। हम इसके बाद वाटरिंग करेंगे। हमें वाटरिंग बिल्कुल लाइट और मिस्ट फॉर्म में करनी है, वरना हमारे जो सीड्स है वो बीच में एक जगह इकट्ठा हो जाएंगे और हमारी प्लांट की प्रॉपर ग्रोथ नहीं होगी। मैंने इसमें वाटरिंग कर दिया है। ये पॉट अब रेडी है। अब हम इसे अपनी बालकनी में कहीं भी रख सकते हैं। हमें इस पॉट को 2 दिन तक शेड में रखना है, फिर हम इसे किसी भी धूप वाली जगह पर रख सकते हैं। फ्रेंड्स, जो हमारा पॉट है इसकी वाटरिंग कैसे करें? इस पॉट को रखने के बाद इसके अंदर का जो सॉइल है वो पोरस पोर्स कैपिलरी एक्शन के द्वारा इस ट्रे का पानी सोक कर लेगा और अंदर के पॉटिंग मिक्स को मॉइस्ट रखेगा। हम ऐसे स्प्रे से भी इसमें पानी डाल सकते हैं। इससे हमारी माइक्रोग्रीन्स फ्रेश रहेंगे और हम दोनों तरीके से वाटरिंग कर सकते हैं। जाना ना आपने सीड्स की सोइंग आपको कैसे करनी है, और भी बहुत कुछ जाना है आपने। इसके बाद भी हम आपको बताएंगे इन माइक्रोग्रीन्स के मल्टीपल यूजेस के बारे में, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद। कहीं मत जाइए, देखते रहिए हमारा कार्यक्रम छत पर बागवानी और बने रहिए दूरदर्शन के साथ पर। अगर संगीत से है आपको प्यार तो खत्म होने वाला है आपका इंतजार। सुरों की अनगिनत रंगों को लेकर दूरदर्शन नेशनल पर जल्द आ रहा है रॉक फ्यूजन, एक ऐसा म्यूजिकल बैंड शो जिसमें पूरे देश से म्यूजिकल बैंड्स हिस्सा ले सकते हैं और दिखा सकते हैं अपने मौलिक संगीत का जादू।
अगर है आप में संगीत के प्रति जोश और जुनून तो भाग लेने के लिए जल्द भेजें अपने म्यूजिक बैंड डिटेल्स और परफॉर्मेंस क्लिप्स हमारी ईमेल आईडी ddrockfusion@gmail.com पर। रॉक फ्यूजन सुरों का काफिला। ब्रेक के बाद छत पर बागवानी में आप सभी का फिर से स्वागत है। आइए अब हम माइक्रोग्रीन्स के मल्टीपल यूजेस के बारे में जानते हैं। अब टेरेस गार्डन पर या अपने छोटी सी बगिया में अगर हमने लगाया है माइक्रोग्रीन्स तो उसके यूजेस क्या हैं? ये भी तो हमें पता होना चाहिए। आइए रुक करते हैं फिर से एक बार अवनिका का। अभी मैंने आपको बताया कि माइक्रोग्रीन्स के सीड्स कैसे प्लांट करें। अब मैं आपको बताऊंगी माइक्रोग्रीन्स को अपने डिशेस में कैसे ऐड करें। मैंने अभी अपने गार्डन से रेड कैबेज, मिंट, चाइनीज ऑरेंज और चेरी टोमेटो हार्वेस्ट किया है। अब हम उसे यूज़ करके एक माइक्रोग्रीन सैलड प्रिपेयर करेंगे। उसके लिए मैंने यहाँ पर अलग अलग टाइप के वेजिटेबल्स लिए हैं। गार्निशिंग के लिए मिंट लीव्स, ऑरेंजेस एंड लेमन्स, और मैंने यहाँ पे टेक्सचर एंड फ्लेवर ऐड करने के लिए कुछ इंग्रेडिएंट्स लिए हैं। तो इसे प्रिपेयर करने के लिए यहाँ पर मैंने सबसे पहले लिया है रेड कैबेज, कैरेट, कॉर्न्स एंड क्यूकम्बर। चेरी टमाटोज, इसे अच्छे से मिक्स करना है। ये सैलड तो रेडी है, लेकिन अभी इसमें फ्लेवर और टेक्सचर ऐड करने के लिए मैं इसमें डालूंगी पेपर, ब्लैक सॉल्ट, ऑलिव ऑयल एंड लेमन जूस। इसे हमें अच्छे से मिक्स करना है। अब मैं चिकपी प्लांट के माइक्रोग्रीन्स के यंग टेंडर शूट्स और बेबी लीव्स को हार्वेस्ट करूंगी। हम इसे वॉश नहीं करेंगे क्योंकि हमने ये घर में ग्रो किया है। अब मैं इन माइक्रोग्रीन्स को अपने सैलड में ऐड करूंगी। ये सैलड बिल्कुल रेडी टू सर्व है। माइक्रोग्रीन्स हमारे मील को रिफाइन करते हैं और इसमें फ्लेवर ऐड करते हैं। ये बहुत न्यूट्रिशियस भी होते हैं। बताऊंगी कि माइक्रोग्रीन्स के डिप्स कैसे रेडी करें जो आप स्नैक्स के साथ कंज्यूम कर सकते हैं। इसे बनाने के लिए मैंने यहाँ पर मेयोनीज लिया है। अब मैं लेंटिल्स के टेंडर शूट्स को हार्वेस्ट करूंगी। इन्हें हम फाइनली चॉप कर लेंगे। इसे अब हम मेयोनीज में ऐड करेंगे। इसे हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इससे मेयोनीज का टेस्ट भी इन्हांस हो जाएगा और ये काफ़ी न्यूट्रिशियस भी होगा। अब हम इसे किसी भी स्नैक्स लाइक चिप्स और नाचोस के साथ सर्व कर सकते हैं। यहाँ मैंने पहले से कुछ चिप्स निकाल के रखे थे, अब आप इसे सर्व कर सकते हैं। ये खाने में बहुत ही अच्छा लगेगा। हम बच्चे इसे बहुत
मनपसंद से खाएंगे क्योंकि ये बहुत यमी लगेगा, क्योंकि ये मेयोनीज है एंड चिप्स तो बहुत यमी होते हैं। ग्रीन्स के बारे में आज के हमारे इस एपिसोड में तो मैंने बहुत कुछ जाना, उम्मीद करती हूँ आपने भी जाना होगा। अब आप भी इन्हें जरूर अपनाएंगे। तो इसी के साथ आज के हमारे इस एपिसोड में बस इतना ही। अगले एपिसोड में एक नए गार्डनर का रुख करेंगे, उनसे गार्डनिंग के गुर सीखेंगे। साथ ही साथ आपको बता दें, हमारा ये कार्यक्रम दोबारा आपको देखना है तो क्या करना है, टीवी स्क्रीन पर दिखाए जा रहे QR कोड को आप स्कैन कर लीजिए, सीधा पहुंच जाएंगे हमारे YouTube चैनल पर, दोबारा छत पर बागवानी का एपिसोड आप देख सकते हैं। तो इसी के साथ आज के हमारे इस एपिसोड में बस इतना ही। अगले एपिसोड में ले जाएंगे हम आपको एक नए गार्डनर के पास और उनसे गार्डनिंग के गुर सीखेंगे। तो हमें दीजिए इजाजत, चलते चलते हम आपको छोड़े जाते हैं कुछ गार्डनिंग टिप्स के साथ। आप बने रहिए दूरदर्शन किसान पर। नमस्कार।